अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं KM खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ खालिद महमूद खालिद। दोस्तों 14 अगस्त लाहौर मीनार पाकिस्तान, इस वक्त यही सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान में और इसी हवाले से हर जगह पे चर्चा हो रहा है। दोस्तों टिकटॉकर आयशा अकरम के साथ जो कुछ हुआ वो अब तो पूरे पाकिस्तान ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देख लिया और वीडियो वायरल करके उस लड़की की इज़्ज़त को मज़ीद पांव तले रौंदा गया। दोस्तों पहले तो FIR नहीं काटी गई और 17 अगस्त को ये FIR काटी गई 14 अगस्त की बजाय। ये 3 दिन किधर रही पुलिस, किधर रही वो लड़की और क्यों नहीं FIR काटी गई? ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब या तो वो लड़की दे सकती है या पुलिस दे सकती है। पुलिस इसलिए नहीं देगी कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की और उस लड़की को डराया धमकाया कि ये मामला बाहर ना निकालना, लेकिन ये किसी ने किस मकसद के लिए वीडियो बाहर निकाली कि ये मसला आम हो गया, ये मामला आम हो गया और उछल गया, ये तो वही बेहतर जानता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वाक़े में पंजाब हुकूमत बुरी तरह फंस गई है। पंजाब हुकूमत का रिकॉर्ड है माजी का कि वो इस तरह के वाक़यात में हमेशा कसूरवार जो मज़लूम होता है उसी को ठहराती है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो दोबारा अपने डगर पे आ जाए और आयशा इकराम को भी कसूरवार ठहराए या वो 400 लड़के जो गिने थे शायद किसी ने उनको कसूरवार ठहराए। दोस्तों इसमें पूरे मामले में पंजाब गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा काम किया है उसके नज़दीक वो पुलिस के 4 सीनियर अफसरान जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। पुलिस किसके मतहत है? वज़ीर-ए-आला पंजाब के। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब के पास पावर है, उन्होंने 4 पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया। अब वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार किसके मातहत हैं? वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के। अब इमरान खान को भी चाहिए कि इस सिलसिले में एक्शन ले और उस्मान बुज़दार को मुअत्तल कर दें। ये चेन चलती रहनी चाहिए और SHO से लेके उस्मान बुज़दार तक जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबको मुअत्तल करना चाहिए फौरी तौर पे। इंक्वायरी के बाद जो बेगुनाह साबित हो उसको बहाल कर दें, लेकिन सिर्फ 4 पुलिस अफसरों को मुअत्तल करना ये उस्मान बुज़दार साहब की बहुत बड़ी ज़्यादती है। दोस्तों असल मामला क्या है? ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। 14 अगस्त को हमेशा उस वक़्त से जब फोर्टर स्टेडियम में तकरीब होती थी उस वक्त भी ऐसी हरकत होती थी। मेरे आंखों देखे वाक़यात हैं इसी तरह लड़कियों को छेड़ने के, लेकिन वहाँ पे कोई शरीफ आदमी उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि वो जो हजूम होता है उसके सामने कुछ नहीं होता और वो किसी को नहीं छोड़ते। दोस्तों ये तो एक वाक़या है जो इस 14 अगस्त का रिकॉर्ड हुआ और सामने आ गया। इस तरह के बेशुमार वाक़यात होते हैं जो सामने नहीं आते। कहा जाता है कि औरतें क्यों जाती हैं ऐसे फंक्शनों में, तो फिर ऐसे फंक्शन किया ना करें या उस पर लिखा जाए कि फैमिली अलाउ नहीं है, सिर्फ छेड़े छांट लड़के वहाँ पे जा सकते हैं या लड़कियों के लिए अलग टाइमिंग जो हैं वो मुकर्रर किए जाएं।
ऐसा भी मुमकिन नहीं। दोस्तों, जो होना था वो हो गया। अब हम इस तलाश में हैं कि कसूर किसका था। हमने ये नहीं देखना कि उस लड़के के साथ हुआ क्या, कि उस लड़की के साथ हुआ क्या। लड़की ने आवाज़ें कसे, लड़की ने फ्लाइंग किस की, लड़की ने इशारे किए, लड़की ने खुद पोज बनाए। दोस्तों, इसका जवाब ये तो नहीं कि जो उन लोगों ने किया, उन लड़कों ने किया, वहाँ दूसरे लोग थे, उसको दुपट्टा दे देते, उसको मना कर देते, उसको हटा देते कि तुम ऐसी हरकतें ना करो, उसको बहिफाजत वहाँ से बाहर निकाल लाते। ये भी कहा गया कि जी उस लड़की को बहिफाजत बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं निकली। मान लिया जी नहीं निकली, तो फिर जब नहीं निकली तो फिर ये हरकतें करने वाली थी। ये तो जिस तरीके से लॉरेंस गार्डन में एक छोटी बच्ची को वहाँ पे मौजूद कुत्तों ने भंभोड़ा था और उसको नोचा था, ये उस तरह का वाकया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो बच्ची जान बहक हो गई थी, यहाँ बच्ची सारी ज़िंदगी के लिए बेइज्जत हो गई है। दोस्तों, ऐसी बेइज्जती अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए, लेकिन ये मुआशरा जो है, ये दलीलें देने के लिए तो सबसे आगे होता है, हटाने के लिए कोई आगे नहीं आता कि सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। वो लड़के जिनकी तादाद 400 बताई जा रही है, वो वहाँ पे पूरे ग्रेटर पार्क में मौजूद लोगों से ज़्यादा वज़नी थे, उनका रोब ज़्यादा था, उनकी ताकत ज़्यादा थी। वो इसलिए उनके नज़दीक इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनके माँ बाप ने उनको यही सिखाया था, क्योंकि ऐसे ही हो सकता है कि उनके जो घर वाले हैं वो भी यही कुछ करते हों, उसके वालिद ने भी यही किया हो। उसकी वालदा को तो मैं इल्ज़ाम नहीं दूंगा, क्योंकि वालदा किसी और घर से आई हैं। ये वालिद का काम है उसका, कि उसने अपने बेटे को यही तरबियत दी कि तुमने लड़कियों को नोचना है सरेआम। दोस्तों, इसमें इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इकरारुल हसन एंकर पर्सन और एक वीलॉगर यासिर शामी पे। दोस्तों, इस मौके पे इन्होंने अपनी दुकान चमकाई और ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए उस लड़की को जिस तरीके से अपने घर बुला के उसकी वीडियो रिकॉर्ड की, ये इस वक्त गैर मुनासिब था और वक्त भी मुनासिब नहीं था। जब सब सामने आ जाता, FIR कट जाती, लोग पकड़े जाते, उसके बाद भी उस लड़की को पब्लिक में लेके आना जो है वो मुनासिब नहीं था। लड़की की इज़्ज़त तो उछली, लेकिन उछाली किसने? मीडिया ने, ख़ास तौर पे इकरारुल हसन ने और यासिर शामी ने। ये अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए किसी की भी इज़्ज़त उछाल सकते हैं। क्या इकरारुल हसन, जो उसको अपनी बहन कह रहा है, उसकी सगी बहन के साथ ऐसा होता तो वो इसको इस तरह TV पे लेके आता, इस तरह YouTube पे उसको मशहूर करता? यासिर शामी, जो मुजीबुर्रहमान शामी एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, नामी ग्रामी सहाफ़ी, उनके इदारे में काम कर रहा है, क्या शामी साहब उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे कि जिन्होंने एक लड़की की इज़्ज़त उछलते हुए पूरी दुनिया में नीलाम की और पूरी दुनिया में उसको मशहूर किया? उसको ब्लर कर लेते फिर भी काम चल जाता। उसके साथ होने वाला एक एक वाक्या मज़े ले ले के अवाम को बताया, उसके कपड़े किस तरह फाड़े, उसको हवा में किस तरह उछाला, उसको वहाँ किस तरह ले कर गए और उसको कपड़े पहनाए, उसको पानी पिलाया, ये बातें बताने वाली हैं? ये दरिंदगी हुई और इसको लड़की का नाम तक छुपाना चाहिए था। दोस्तों, ये पहले इस तरह होता था कि अखबार में जब इस तरह के वाक़या रिपोर्ट होता था
तो लड़की का नाम नहीं आता था, बल्कि उसके नाम का पहला हर्फ जो है वो खबर में दिया जाता था। इस तरह तस्वीर देना और उसके पूरे वेयर अबाउट्स देना और उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब कुछ देना, ये घटिया तरीन सहाफ़त है इकरारुल हसन की और यासिर शामी की। असल मुकदमा इन दोनों के ख़िलाफ़ होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज सीनियर एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब ने एक और वीडियो अपने वीलॉग में दी है कि एक औरत अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी जिसने बुर्का पहना हुआ था, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा पहने एक मनचला, इसको मनचला तो नहीं कहेंगे, एक दरिंदा वो मोटरसाइकिल पे उस लड़की के पीछे बैठा है और उसके साथ नाज़ेबा हरकत की हैं। उसके बाद उसको मोटरसाइकिल से उतारा और दोबारा उसके साथ ऐसी हरकतें की हैं। गो कि ये वीडियो पुरानी है, लेकिन ये यौमे पाकिस्तान मनाया जा रहा था, माजरत के साथ कह रहा हूँ कि क्या कायद अजम ने ये आज़ादी दी थी, इस आज़ादी के लिए ये पाकिस्तान बनाया था? अगर कायद अजम आज ज़िंदा होते तो शायद वो ये हरकतें देखकर ही इस दुनिया से उठ जाते। उनकी रूह तो कांप ही उठी होगी कि उन्होंने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था, कलमे के नाम पे बनाया था, ला इलाहा के नाम पे बनाया था और छीन के लिया था पाकिस्तान अंग्रेज़ों से, हिंदुओं से। अब हम उन अंग्रेज़ों से और उन हिंदुओं से बहुत आगे चले गए हैं। ऐसे मामलात में आप मुल्क से बाहर चले जाएं, वहाँ ना सिर्फ ये कि ख़वातीन ने शॉर्ट्स पहने होते हैं बल्कि इस तरह के कपड़े होते हैं कि जो बाज़ार में पहनना तो दूर की बात, घरों में भी नहीं पहने जा सकते, लेकिन उनको ना तो कोई छेड़ता है ना कोई टच करता है, यहाँ तक कि उसकी तरफ आंखें भी नहीं जाती। ये पाकिस्तान का मुआशरा जो है जिस अंदाज से आगे बढ़ रहा है, इसका कसूर पाकिस्तान की हुकूमत की लापरवाही है। हुकूमत का कसूर नहीं, उसकी लापरवाही का कसूर है जो इस तरफ ध्यान नहीं देती। ये कह देना कि ख़वातीन छोटे कपड़े पहनेंगी तो लोग उसको छेड़ेंगे, ये इंतहाई घटिया बयान था। लड़की जिस तरीके से मर्ज़ी निकले बाहर, उसका हक है, वो आधे कपड़े पहने, वो पूरे पहने, वो बुर्का पहने, वो हिजाब करे, वो शॉर्ट्स पहने, ये उसका अपना फेल है। भूखे कुत्तों की तरह उसकी तरफ देखना ये मुआशरे में हुकूमत की लापरवाही का नतीजा है। दो बंदों को पकड़ के सजाए मौत दी हो और मीनार पाकिस्तान पे लटकाया हो, तीसरा बंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा और ये सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन हुकूमत मजबूर है, उनको अपोजिशन की बदनवानियाँ नज़र आ रही हैं, उनको अपनी लापरवाहियाँ नज़र नहीं आती। खुदारा अपनी लापरवाहियों की तरफ तवज्जो दीजिए, बदनवानियों पे नहीं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और इस पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।